लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने कोरोना इंतजामों के लिए जूझ रही नई मुंबई महानगर पालिका की मदद के लिए सिडको से 25 करोड़ की सहायता निधि देने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने सिडको MD संजय मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर याद दिलाया है कि जिस नोइंबई के किसानों की जमीन लेकर सिडको अमीर बनी है, आज वे नोइंबई कर कोरोना उपचार सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सिडको को मदद के तौर पर महानगर पालिका को 25 करोड़ की सहायता निधि तत्काल सुपुर्द कर देनी चाहिए। दरअसल सिडको ने मुलुंड में कोविड केयर सेंटर बनाया है, जबकि नोइंबई के लिए कुछ भी नहीं किया। गणेश नाइक ने कहा कि जब मुंबई के लिए करोड़ों का खर्च कर सकती है सिडको, तो नोइंबईकरों के लिए खर्च करने में भला हर्ज क्या है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व विधायक गणेश नाइक ने नोइंबईकरों को कोरोना से बचाने के लिए सिडको से 25 करोड़ की निधि देने की मांग की है। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने सिडको MD संजय मुखर्जी को लिखे अपने खत में याद दिलाया है कि किसानों की हजारों एकड़ जमीन लेकर सिडको अमीर बनी है। ऐसे में जब उस शहर को मदद की जरूरत है, तो फिर सिडको आगे क्यों नहीं आ रही। पूर्व मंत्री गणेश नाइक की यह मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि जिस नोइंबई के किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव लेकर सिडको ने कमाई की, आज उसी नोइंबई के नागरिक कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। नोइंबई महानगर पालिका उनके लिए यथासंभव मेडिकल इंतजाम कर रही है, लेकिन वह काफी नहीं है और इसीलिए बीजेपी विधायक मांग कर रहे हैं कि सिडको को मदद के तौर पर नोइंबई मनपा को 25 करोड़ की सहायता राशि तत्काल सुपुर्द कर देनी चाहिए। बता दें कि सिडको ने मुलुंड में करोड़ों रुपए खर्च कर कोविड केयर सेंटर बनाया है, फिर नोइंबईकरों के लिए मदद करने में हर्ज क्या है। ध्यान देने वाली बात है कि जब से कोरोना महामारी और लॉकडाउन चल रहा है, लोक नेता गणेश नाइक जोखिम लेकर आयुक्त से मिल रहे हैं और नोइंबईकरों के लिए आरोग्य इंतजाम पुख्ता कराने में जुटे हैं। जाहिर है आज नोइंबई में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है, जिससे बेड और वेंटिलेटर कम पड़ने लगे हैं, आरोग्य सुविधाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक को भरोसा है कि यदि सिडको नोइंबई महानगर पालिका को आर्थिक मदद कर देती है, तो इससे नवी मुंबई में कोविड उपचार इंतजामों को और मजबूत करने और मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल गणेश नाइक के चिट्ठी पर सिडको किस तरह मदद का हाथ बढ़ाती है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।